हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोगों का प्रोटेक यूट्यूब चैनल में। और हमारी आज की ये जो वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फौजी जो गेम है उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और जब उसकी अनाउंसमेंट करी गई उसके बाद से ही उस गेम के बारे में इतनी सारी लीक्स और इतने सारे रूमर्स आने लग गए और भाई इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि इस वीडियो को मुझे बनाना ही पड़ा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग पूरी की पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं फौजी गेम के बारे में, उसके जो टीजर ट्रेलर्स आ रहे हैं, कब ये गेम लॉन्च होगा, क्या यह गेम पबजी से बेहतर होने वाला है, इंडियंस इसको प्ले करेंगे या फिर नहीं, या फिर दोस्तों इस गेम ने पोस्टर वगैरह कॉपी किए हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस एक वीडियो में मिलने वाली है। सो अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो और इसको बनाने के एफर्ट्स अच्छी लगी हो तो कीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई लोग जल्दी से रहकर के सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज हम लोग काफी ज्यादा क्लोज है 900 इनके सब्स के, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के स्टार्टिंग हाफ में जरा बात कर लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि अक्षय कुमार जी ने अपने पोस्ट के जरिए हम सभी को बताई थी कि फौजी एक मल्टीप्लेयर गेम होने वाला है जो कि टोटली बेस्ड होने वाला है इंडियन आर्मी के ऊपर। इस गेम को बनाया जा रहा है एनकोर गेमिंग कंपनी के द्वारा, जो कि टोटली एक इंडियन गेम होने वाला है, इंडियन डेवलपर्स के द्वारा डिजाइन किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गेम का पूरा नाम होने वाला है दोस्तों फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। अब नेम को ही लेकर काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स बवाल मचा रहे हैं कि इसका जो नेम है वो पबजी मोबाइल से कॉपी है, जैसा कि पबजी है उसी तरीके से सिमिलर फौजी है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि इंडिया में काफी टाइम से हम लोग फौजी वर्ड को यूज करते आ रहे हैं हमारे देश के जवानों के लिए। और शायद उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि जब भी किसी गेम की या फिर बड़े प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की जाती है तो वो हमेशा ट्रेंड को देखकर रखी जाती है, यानी कि मार्केट में आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है और सारे के सारे जो लोग हैं वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और ये तो शायद मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि पबजी मोबाइल इंडिया में कितना ज्यादा फेमस है। और इसी के चलते डेवलपर्स ने अगर इंडिया का कोई बड़ा प्रोजेक्ट या इंडिया का कोई नया मल्टीप्लेयर गेम लॉन्च करना है तो उन्होंने ये बिल्कुल सही समझा होगा कि हम लोग इतना अच्छा नेम लेकर के आए, और अगर शायद मैं भी इस गेम का डेवलपर होता तो मैं भी यही नेम रखता, बिकॉज ये गेम के पॉइंट ऑफ व्यू को भी काफी अच्छे तरीके से जस्टिफाई करता है जो कि होने वाला है दोस्तों इंडियन आर्मी और सोल्जर्स के ऊपर, और सुनने में भी आप लोगों को काफी ज्यादा फैमिलियर लगता है। सो ये तो हो गया दोस्तों नेम का क्लैरिफिकेशन। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे या फिर अब आप लोगों के दिमाग में ज्यादा कोई डाउट्स नहीं रह गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस गेम के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा रूमर और काफी सारी चीजें ये निकल के आ रही है। ये जो गेम है फौजी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, इसका पोस्टर भी कॉपी किया गया है। अब जहाँ तक पोस्टर की बात है, आइए चलिए इस बारे में भी आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी किसी गेम को बनाया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी टीम आपस में मिलकर वर्क करती है। कुछ लोगों की टीम संभालती है दोस्तों डिजाइनिंग एंड आर्ट्स का वर्क, और कुछ लोग संभालते हैं दोस्तों कोडिंग वगैरह का डिपार्टमेंट। अब वहाँ पर काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि इस गेम का जो पोस्टर है वो कॉपी किया गया है एक म्यूजिक से, या फिर दोस्तों इस पोस्टर को शटर स्टॉक से चुराया गया है। अब आप लोगों को शायद ये नहीं पता है कि किसी भी गेम का या फिर मूवी इंडस्ट्री में भी अगर किसी आर्ट को लिया जाता है तो उसको परचेस किया जाता है, यानी कि उसका प्रॉपर लाइसेंस होता है उन सभी लोगों के पास। और सेम केस आता है दोस्तों फियरलेस गार्ड गेम के साथ भी। इस चीज को क्लियर करते हुए इनके डेवलपर एनकोर गेम्स ने आज ही एक पोस्ट डाला है दोस्तों इन सभी चीजों से परेशान होकर के, इसके पोस्टर को हम लोगों ने बिल्कुल भी कॉपी नहीं किया है, हमारे पास में इसका वैलिड लाइसेंस है, हमने इसको परचेस किया था और इसी तरीके से हमने इसको यूज भी किया है। और आप शायद ये बोल चुके हैं ये सिर्फ एक पोस्टर है जो कि एक अनाउंसमेंट करी गई थी कि ऐसा एक गेम आने वाला है, अभी इसका कवर आर्ट, इसका वॉलपेपर कुछ भी लॉन्च नहीं किया गया, ना तक कि अभी तक इसका कोई टीजर या फिर ट्रेलर आया है। अब यहीं पर मैंने आप लोगों के एक और सवाल का भी जवाब दे दिया कि आजकल बहुत सारे ट्रेलर्स आप लोगों को यूट्यूब पे देखने के लिए मिल रहे होंगे, फेसबुक पे देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे भी फौजी के ही ट्रेलर और टीजर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। सो दोस्तों उन ट्रेलर्स पे, उन टीजर्स पे और उन सभी यूट्यूब चैनल्स पे जो कि ऑफिशियल एनकोर गेम्स करके बनाए जा रहे हैं उन पे आप लोग बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा, बिकॉज वो सारे के सारे चैनल फेक है, मनी अर्निंग के पर्पज से बनाए गए हैं, यानी कि वो जितने भी ट्रेलर्स आप लोगों को दिखा रहे हैं वो किसी चाइनीज गेम जो कि सिमिलर पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा है उसी के उठा करके आप लोगों को दिखाए गए हैं। कुछ ट्रेलर्स तो दोस्तों डायरेक्ट पबजी मोबाइल से ही उठा लिए हैं और उसको मार्केट इस तरीके से किया जा रहा है कि वो फौजी का ट्रेलर है। सो मुझे उम्मीद है मैंने यहाँ तक आप लोगों के काफी सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा कि अभी तक इस गेम का कोई भी ऑफिशियल टीजर, ट्रेलर या फिर कॉन्सेप्ट आर्ट नहीं आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गेम का जो पोस्टर है वो कॉपीड नहीं है, नेम भी कॉपीड नहीं है। और अब सर बात कर लेते हैं दोस्तों इस गेम के कुछ डिटेल्स के बारे में। इस गेम को बनाया जा रहा है दोस्तों मेंटरशिप में हमारे बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे एक्टर अक्षय कुमार जी के गाइडेंस में। सिर्फ
सिर्फ इतना ही नहीं, इस गेम के अंदर में आप लोगों को बहुत ही अच्छे ऐसे सिनेरियोस दिखाए जाएंगे जहां पर आप लोगों को महसूस होगा, आप लोगों को फील करने के लिए मिलेगा कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस किन किन चीजों का सामना करती है, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन थ्रेट्स। साथ ही में एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही है कि इस गेम का जो फर्स्ट लेवल होने वाला है वो सेट किया गया है दोस्तों गलवान वैली के ऊपर। ये गेम एक थर्ड पर्सन शूटर होने वाला है जहां पर आप लोगों को मल्टीप्लेयर मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ में प्ले कर सकते हो। अब यहां पर काफी ज्यादा लोगों के मन में डाउट आ रहा है क्या ये गेम मोबाइल पर लॉन्च होगा या फिर पीसी पर होगा, तो यार उस बारे में तो आप लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये गेम डेफिनेटली मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आने वाला है और ये गेम आप लोगों को मल्टीप्लेयर देखने के लिए मिल जाएगा। इस गेम में आप लोगों को एक सिंगल प्लेयर कैंपेन मोड भी मिलेगा, यानी कि जहां पर आप लोगों को मिशंस वगैरह को कंप्लीट करना होगा, यानी कि इस गेम में आप लोगों को मिशंस वगैरह भी कंप्लीट करने होंगे। एक पर्टिकुलर स्टोरी चलेगी, कैंपेन चलेगा जिसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। और अब सिर्फ बात कर लेता हूं उस क्वेश्चन के बारे में जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, वो है दोस्तों कि ये गेम फाइनली कब लॉन्च किया जाएगा। सो ये गेम लॉन्च होने वाला है दोस्तों, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई है और जो कि मैंने एनकोर गेम्स के डेवलपर से बात करी है उसके रिगार्डिंग, ये गेम आप लोग को एंड ऑफ अक्टूबर तक देखने के लिए मिल जाएगा। यानी किस चीज के पॉसिबल चांसेस है कि ये गेम आप लोग को इसी साल 2020 में एंड ऑफ अक्टूबर तक देखने के लिए मिल जाएगा आप सभी के एंड्रॉइड डिवाइसेस पर। और अगर आप लोगों के पास में एप्पल का आईफोन है तो दोस्तों ये गेम एप स्टोर पर भी आने वाला है। सो यहाँ पर हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो भी इस गेम के रिगार्डिंग रूमर्स चल रहे थे हमने उनको साइड कर दिया, यानी कि कोई टीजर ट्रेलर अभी नहीं आया है। गेम कब लॉन्च होगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, एंड ऑफ अक्टूबर तक आ सकता है। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई पोस्टर और नेम उतना ज्यादा कॉपी नहीं है जितना कि लोग इसको मार्केट कर रहे हैं और बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस गेम के एक बहुत ही अच्छे फीचर की, और जिसके बारे में शायद आप में से मैक्सिमम व्यूअर्स को पता ही होगा कि ये गेम का दोस्तों जितना भी नेट रिवेन्यू होगा उसका 20% जाने वाला है भारत के वी ट्रस्ट को। यानी कि ये गेम जितनी भी अर्निंग करता है उसका 20% हमारे इंडियन सोल्जर्स को मिलने वाला है। अब इस बारे में शायद आपने किसी यूट्यूबर से ये नहीं सुना होगा ये कितनी अच्छी चीज है और गेम के साथ में भी ये होना चाहिए, सभी लोग बस इस गेम की बुराइयां करने में लगे हुए हैं। चलिए खैर अब जान लेते हैं मेरे थॉट्स कि मेरा क्या मानना है इस गेम के बारे में। देखिए फौजी जो गेम होने वाला है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये गेम हम सभी की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरे, यानी कि हम सभी अब एक ऐसा पॉलिश्ड रिफाइंड प्रोडक्ट खेल करके आ रहे हैं जो कि है दोस्तों पबजी मोबाइल। ये गेम हमारे सामने काफी सालों से है। सो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, जब भी ये गेम लॉन्च होता है, जब भी उसका गेम प्ले ट्रेलर आप लोगों के सामने आता है, आप लोग उसकी कमियां मत निकालिएगा, बिकॉज ये जो गेम है ये एक अटेम्प्ट है दोस्तों इंडियन गेमिंग डेवलपर्स की तरफ से और हमें इसे पूरा सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है जब ये हमारे सामने आएगा तो वहां पर आप लोगों को ग्लिचेस, बग्स, ग्राफिक्स क्वालिटी, जो मिशंस हैं वो आप लोगों को उतने ज्यादा अच्छे देखने के लिए नहीं मिलेंगे जितनी आप लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं। हालांकि ऐसा कुछ पक्का नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को पहले से ही बता देता हूं। और अगर ऐसा होता भी है तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम लोग डेवलपर्स को फीडबैक प्रोवाइड करें, यानी कि जहां पर भी आप लोगों को लगता है कि ये चीज कम है, ग्राफिक्स अच्छी नहीं है, गेम में बग्स हैं, ग्लिचेस हैं, मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, उतना ज्यादा कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, उस सारे के सारे फीडबैक्स आप लोग अपने डेवलपर्स को बताइए। और उससे होगा क्या, गेम पॉलिश होगा, रिफाइंड होगा और नए नए अपडेट्स आएंगे और गेम परफेक्टली अच्छा बनता चला जाएगा। और मैं ऐसा सिर्फ इस गेम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इससे एक्चुअली में होगा क्या कि इंडियन गेमिंग जो इंडस्ट्री है वो ग्रो होगी और बहुत सारे इंडियन डेवलपर्स आएंगे मार्केट में और अपना गेम वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ये एक बहुत बड़ी डीप बात मैंने आपको बताई है। एक्चुअली में अभी जो डेवलपर्स है वो मार्केट में आने से इसलिए डरते हैं क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने से और बाद में उन्हें पता चले कि उस गेम को किसी ने डाउनलोड ही नहीं किया, प्ले ही नहीं किया, सो वो इसीलिए स्टार्टिंग से ही गिव अप कर देते हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों GTA 5 कितनी बड़ी सक्सेस है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि इस गेम को बनाने के लिए 230 से भी ज्यादा मिलियन डॉलर्स लगे हैं। या फिर चलिए पबजी मोबाइल की बात कर लेते हैं, पबजी मोबाइल को बनाने के लिए भी दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगे थे और तब जाकर ये गेम आप लोगों के सामने आया है। हाँ वो बात अलग है कि गेम को बनने के बाद में इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, सेम केस आता है दोस्तों GTA 5 के साथ भी। सो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें सपोर्ट करना है दोस्तों हमारी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को, हमें ज्यादा कमियां नहीं निकालनी है, हमें दोस्तों एकदम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, यानी कि जितने भी मिस्टेक्स हैं वो सभी डेवलपर्स को बतानी है, उनमें सुधार कराना है और एक अच्छा गेम, अच्छी सोसाइटी इंडियन गेमिंग की बनानी है। सो दोस्तों यही थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखी है तो कीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई लोग जल्दी से अगर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए ताकि आप लोगों को जो भी नया एंड्रॉइड गेम लॉन्च हो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए खैर मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई धमाकेदार वीडियो में। अगर फौजी का कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट आता है तो बिल्कुल रियल जेन्युइन चीज मैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा दूंगा। चलिए दोस्तों टिल देन की वॉचिंग प्रोटेक्ट, बाय बाय।